हेलो दोस्तों, मैं रिजवान, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिक्स एंड टिप्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सऊदी अरब जाते हैं लोग, और ज़्यादातर इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं लोगों के साथ, या तो वहाँ पे मैसेज भेजते हैं या वीडियोज़ बना के भेजते हैं कि हमें इस काम में भेजा था और आज बकरी चरा रहे हैं, या तो कंस्ट्रक्शन में जाके खुदाई कर रहे हैं, या बिल्डिंग लाइन में लगा दिया है हमें, स्टोर कीपर के लिए आए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आए थे, सेल्समैन के लिए आए थे। बहुत सारे इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, और बहुत सारे इस तरह के भी लोग मिलते हैं कि जो जानबूझकर इस आग में झुलसने के लिए तैयार होते हैं। उनको पता होता है कि ये काम उनको नहीं आता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से वहां पर जाने के बाद में कैंडिडेट्स बकरी चराने लगते हैं। बकरी चराने के लिए नहीं भेजा जाता है, लेकिन वहां पर बकरी चराने का रीजन होता है। तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको 3 बेल्स मिलेंगी, आप ऑल वाले में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपको इन सारी चीज़ों का कलेक्शन वीडियोस का नीचे लिंक दे दिया है मैंने, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उस पर भी चाहें तो क्लिक करके सारे वीडियोस ऑन कर सकते हैं, आप अपने मतलब के वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, सारे लोगों में शेयर भी करें दोस्तों। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार जो सऊदी जाते हैं जॉब के लिए और वो उस जॉब को ना करके जो गए हैं करने बकरी चराने लगते हैं, वो किस लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जो सऊदी जाने के लिए जॉब के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई किए हैं या नहीं किए हैं, क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी है या नहीं है, पासपोर्ट ECR है या ECNR है, कभी गल्फ गए हैं या नहीं गए हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इंटरेस्ट ज़रूर रहता है वहाँ पर जाने का। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब आप कहीं किसी से कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मुझे सऊदी जाने का प्लान है, मेरा मैं जाना चाह रहा हूँ विदेश कमाने जाना चाह रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे आपको कोई रास्ते में एजेंट मिल जाता है, या आपका रिश्तेदार होता है, नातेदार होता है, दोस्त होता है, यार होता है, या पड़ोसी होता है, या फेसबुक से, या मैसेंजर से, या ट्विटर से, कहीं से भी कोई भी आपको मिल जाता है, और उसके बाद आपको एक एश्योरेंस देता है कि वो आपको सऊदी भेज देगा। सऊदी भेज देगा, इसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आसपास में आपके इस तरह के लोग दिखते हैं कि सऊदी जाके वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि सऊदी जाके बकरी चरा रहे हैं, ये भी बात सही है। अब उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, जब आपने किसी कंसल्टेंट से बात कर ली, किसी एजेंट से बात कर ली, उसने आपको सपने दिखाए, उसने आपको ड्रीम दिखाए, वहाँ पे जाने के बाद में आपको एक ऐसी रिक्वायरमेंट दिखाई जो आपको बहुत अच्छी लगी। कहने का मतलब, अगर आपको वो बता रहा है कि यार जाना है वहाँ पे मॉल के अंदर काम करना है सेल्समैन का, कस्टमर आएंगे उनको कस्टमर को कपड़े दिखाना है, कस्टमर आएंगे उनको कस्टमर को डील करना है, सेल करना है माल, उससे आपको लगता है कि यार ये काम तो बहुत आसान है, ये काम तो कोई भी कर लेगा, इस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ, और सैलरी बता देंगे आपको कि बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, 2000 रियाल मिलेगी, 2500 रियाल मिलेगी। अब आपने अपने आप को देखा नहीं कि कभी काम किया नहीं सेल्स का, इंडिया में आपने काम नहीं किया सेल्स का, या कभी इस तरह का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, हाई स्कूल भी आपने पास नहीं किया, अगर पास भी कर लिया है तो भी आपका एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा है। आपने उसको देखा कि वो बता रहा है आपको इस सैलरी के बारे में, काम के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपने उसको 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़्यादा दे दिए, अब उसने आपको वीज़ा दे दिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जाने वाले लोग अक्सर हेल्पर का या लेबर का वीज़ा ही लगा के देते हैं, और हेल्पर का वीज़ा या लेबर का वीज़ा लगा के देना कोई बड़ी बात नहीं है, इंजीनियर भी चले जाते हैं इसमें हेल्पर लेबर के वीज़ा में, लेकिन मैटर ये करता है कि अगर आपका वीज़ा लग गया है तो आपका अग्रीमेंट किस चीज़ का बना है वहाँ पर जाने के पहले, वो मैटर करता है, और एग्रीमेंट देखना जो है वो आना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, कि आपको सऊदी जाने के पहले या कहीं पे भी जाने के पहले अग्रीमेंट अपना चेक करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए अग्रीमेंट में, वो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर भी देख सकते हैं आपके अग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। अब आपने अग्रीमेंट अगर आपकी प्रोफाइल का पा लिया है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान करें कि आपने जो काम किया है वो अगर काम मिल रहा है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आपने कभी काम ही नहीं किया उस चीज़ को और जाके करके एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे कंपनी सिखाने के लिए नहीं बैठी है आपको, कंपनी अपना काम सिखाएगी, वो भी अगर वो सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसा टेक्निकल पार्ट है जो आपको नहीं आता, इंडिया में नहीं बताया गया है। लेकिन अब सेल्स के लिए जाते हैं आप, सेल्स के लिए आपने वहाँ पे सेल आउट करना चालू कर दिया, वहाँ पे बता दिया गया कि भाई ये काम है,
अब कस्टमर आ गया आपका इजिप्शियन, कस्टमर आ गया आपका फिलिपिनो, कस्टमर कहीं दूसरी कंट्री से आ जाता है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, अब समझ में नहीं आएगा इंग्लिश में तो जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर जाके मैनेजर के पास जाएगा, कंप्लेन करेगा, मैनेजर के पास कंप्लेन करेगा, मैनेजर आपसे मीटिंग करेगा और आपको ये बोलेगा कि अगर आपको काम नहीं आता तो आप क्यों आए। अब उसके बाद में मैनेजर ने जो वीज़ा दिया कंपनी ने, वो वीज़ा उसका ख़राब ना हो इसलिए वो या तो आपको कहीं दूसरे काम में लगा देगा, या तो बाथरूम क्लीनिंग में लगा देगा, या तो फ्लोर क्लीनिंग में लगा देगा, और या तो बकरी चराने में लगा देगा अगर वो कफील है तो। कंपनी है तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, पर्टिकुलर किसी कफील के पास गए हैं तो वो ये भी काम करा सकता है। तो दोस्तों, आपने अपनी काबिलियत को जाने बिना प्रोफाइल को अच्छा देखते हुए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो के कि मैं ये काम कर लूँगा, आप चले गए और वहाँ पे उस माहौल में आप ढल नहीं पाए, कस्टमर हैंडल नहीं कर पाए, तो कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं करेगी। मैं कहता हूँ कपिल के पास भी अगर गए हैं और वो छोटी मोटी दुकान भी चला रहा है और छोटी मोटी दुकान में भी आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर में ही अगर आप काम के लिए चले गए, कंप्यूटर में आपने देखा कि बहुत अच्छा काम है, ईजी काम है, बैठ के करना है ये काम तो कोई भी कर लेगा, 3 महीने आपने काम कर लिया, वहाँ जाके उसने दे दिए एक्सेल शीट, इसको मेंटेन करिए, इसका डेटा बना के मुझे 1 घंटे में भेज दीजिए, अब उसमें सारे डेटा का जो आपने कलेक्शन बनाया फिल्टर करके जो डेटा था बना बनाया उसको भी डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि आपने कभी एक्सेल में काम ही नहीं किया, पीवट में काम ही नहीं किया, वीलुकअप में काम ही नहीं किया, एचलुकअप में काम ही नहीं किया, एक्सेल के फॉर्मूला आपको आते नहीं हैं, तो आप चले तो गए, कंप्यूटर का काम बहुत अच्छा है, लेकिन वहां जाने के बाद में एक्सेल शीट जब बनानी पड़ी तो आपसे बनी नहीं, और जब बनी नहीं तो वहां पर जो भी कफील है, जो भी स्टोर वाला है, दुकानदार है, वो जाहिर सी बात है आपको वीज़ा देगा तो 7,000 रियाल भी रखेगा अपने पास जब आप वापस आएंगे तो, और या तो आपको कहीं दूसरी जगह के बकरी चराने के लिए भेजेगा, और या कहीं दुकान में सप्लाई कर देगा, और या तो फिर आप उसके घर का बाथरूम साफ करें। दोस्तों, ये रीजंस होते हैं, तो कभी भी ध्यान रखें, मैं बहुत शॉर्ट में बहुत सी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे रीजंस है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा होने की वजह से मैं आज इसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा। तो जो पॉइंट्स हैं मेन मेन, जब कभी भी जाएँ वो ध्यान दें कि जो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देखने वाली चीज़ें हैं, वो पॉइंट्स मैं अब बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखिए। सबसे पहले, जब भी आप कहीं पे भी सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं जॉब के लिए, एक बात याद रखें कि जब आपके पास एक जॉब ऑफर आता है तो उस जॉब ऑफर में जो प्रोफाइल दी हुई है, सैलरी दी हुई है, अपने आप को जस्टिफाई करें, उस जॉब ऑफर से मैच करें कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस उस जॉब से मैच कर रहा है या नहीं, अगर वो मैच कर रहा है तो आप ओके करें, और उसके बाद जब जॉब ऑफर से मैच भी करें तो आपका जब अग्रीमेंट मिलता है तो उसमें ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैलरी जो है इतनी हाई मिल रही है आपको जो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि यार 1500 सैलरी तक मैं चला जाऊँगा, 1500 रियाल तक चला जाऊँगा, अब उसमें सैलरी 3200 रियाल है, 3500 रियाल है, अब 3500 रियाल 3200 रियाल की आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी लेकिन है सैलरी, अब 3500 रियाल में आपको क्यों हायर करेगा क्लाइंट, 3500 रियाल में तो उसको गल्फ रिटर्न मिल जाएंगे, सोचने वाली बात है। अब आपने 3500 रियाल देख के हाँ चला जाऊँगा मैं, वहाँ जाते हैं आप, वहाँ जाने के बाद में अग्रीमेंट चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट बैठा होता है, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपकी प्रोफाइल, आपकी कैटेगरी के लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी आपको देगा, अब वो जब अग्रीमेंट बना के देगा तो नया अग्रीमेंट होगा, उस अग्रीमेंट को देख के आप इसमें मैच करेंगे तो आप वहां से बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे, उसके बाद उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बाहर चले जाइए वापस इंडिया या जहां से आए हैं, और या तो उसका चार्ज भरिए, और या तो आपको जो काम दे रहा है वो चुपचाप करिए 2 साल तक, इस तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है फंस जाते हैं कैंडिडेट्स, आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, अच्छी सैलरी अगर आपको लग रही है, ज़्यादा सैलरी लग रही है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रही है तो उस चीज़ को अवॉइड करें, जाते समय अग्रीमेंट ज़रूर देखें कि अग्रीमेंट में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही मिलनी चाहिए वहाँ पे, अगर कुछ एक्स्ट्रा हैं तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करें, अपने साथ बैठें जो क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, उनके साथ बैठें और जो कंपनी जा रहे हैं वो देख लें कि कंपनी वही है या नहीं, हो सकता है वहाँ पे सप्लायर हो, सप्लायर से कोई दिक्कत नहीं है, सप्लायर बहुत सारी अच्छी भी कंपनी होती हैं, बहुत सारी सप्लायर कंपनी जो है वो इस तरह की भी होती हैं, वहाँ पर जाके बैठा लेती हैं और एक आध महीने तक काम कराती रहती हैं, नहीं भी कराती हैं तो अगले महीने से काम कराना चालू करती हैं, कुछ दिक्कतें हैं सप्लायर के साथ में। दोस्तों, आपसे राय जानना चाहता हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी नीचे वीडियो में ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि आपके वीडियो शेयर करने से, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने से मुझे और टॉपिक्स मिलते हैं जिसमें मैं वीडियोज़ बना सकता
सकता हूँ। तो आप सऊदी गए या आपके साथ में कुछ इस तरह के हालात गुजरे, आपके आसपास के लोगों के साथ इस तरह के हालात गुजरे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और हमेशा याद रखें कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इससे और लोगों को भी मदद मिल जाएगी। तो जाते इसके पहले आप वीज़ा किसका है ये देखें, कंपनी कौन सी है ये देखें, सैलरी कौन सी है, कितनी है, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ना हो वो देख लें, आपके काम से प्रोफाइल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहाँ जाने के बाद में वो चीज़ें सारी आपको मिलनी चाहिए। और वरना आपका एक्साइटमेंट या आपकी खुशी जो है सैलरी को देख के, वहाँ जाके सारी की सारी मेहनत आपकी, यहाँ से लगाया हुआ पैसा सब कुछ पानी में चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद दो साल तक आपको करना ही है, वो चाहे बकरी चराएं चाहे बाथरूम साफ करें। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल गई होगी, लोगों में भी शेयर कर दें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। लाइक करना ना भूलें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए क्लिक ज़रूर करें बेल आइकन पे। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियोस में और अगले बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। टेक केयर।